अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो न्यू वीडियो के साथ आई होप आप ठीक होंगे। और न्यू वीडियो लेकर आज फिर मैं आई हूँ। हायर की टेम्परेचर सेटिंग किस तरह करते हैं? हायर की टेम्परेचर सेटिंग मोस्टली लोगों को करनी नहीं आती, तो इसकी सेटिंग पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको मेरे भाई पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे कि किस तरह से सेटिंग। जी, ये हायर का सेकंड जनरेशन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है। मॉडल है इसका HRF438 और इसके अंदर इन्होंने जो सेटिंग है टेम्परेचर की वो इन्होंने डिस्प्ले पे दी है हायर कंपनी ने, और 2022 के बाद से ये मॉडल इस तरीके से आ रहे हैं। इसमें तीन तरह के इसके जो फंक्शंस हैं ये आप देख सकते हैं। टेम्परेचर जोन इसमें नज़र आ रहा है, टेम्परेचर सेटिंग है और टेम्परेचर का फंक्शन सेटिंग है। सबसे पहले इसको अनलॉक करने के लिए ये जो 3 सेकेंड्स के लिए इसको होल्ड करेंगे और अब इसकी सेटिंग जो है ये अनलॉक हो गई है। और यहाँ पर अगर आप इसको आप देख सकें तो टाइम जोन में इस वक्त जो टेम्परेचर सेटिंग हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है 5 पे। अगर हम इस वक्त देखें ऊपर वाले जो कि इसका फ्रीज़र है, फ्रीज़र में इस वक्त जो टेम्परेचर है वो है -15। और इसकी जो मेन सेटिंग है वो यहाँ से चेंज होती है, जो फंक्शन सेट लिखा हुआ है। फंक्शन सेट में इस वक्त ये आपको अगर ये नज़र आ रहा है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऑटो सेटिंग पर है, जिसमें ये रेफ्रिजरेटर खुद से बाहर के माहौल के टेम्परेचर को रीड करने के बाद अपने अंदर की कूलिंग को मेंटेन रखता है। और डेफिनेटली ये इन्वर्टर है तो इन्वर्टर जो है फिर कूलिंग को एक दफ़ा करने के बाद इसको मेंटेन कर रहा होता है। तो इसको यहाँ पे ये अभी ऑटो, अगर आपने देखा तो ये अभी खुद ही ऑटो अनलॉक हो गया। इसको अभी मैं दोबारा से जो है वो करूँगा। ये देखिए फंक्शन सेटिंग के अंदर जाके इसको मैंने इस वक्त जो है ये ऑटो पे है। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा ये तो ये पावर कूल पे है। पावर कूल के अंदर जब इसको हम लोग सेटिंग पे रखेंगे पावर कूल पर, तो इसका जो रेफ्रिजरेटर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कूलिंग करेगा। और ये जो इसका अगला फंक्शन है ये है पावर फ्रीजिंग। अगर इसको पावर फ्रीजिंग मोड पर रखेंगे तो ये जो इसका फ्रीज़र है वो ज़्यादा कूलिंग करेगा कंपैरेटिवली। अगर इसको हम किसी भी नहीं रखते तो ये आपको नज़र आ रहा है स्टेरिलाइजेशन के जो इसका है, इसमें ये कि जो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है ये उसको स्टेरिलाइज कर रहा है थ्रू लाइट। तो इसको हम लोग इसको इस वक्त मैंने जो रखा हुआ था वो रखा हुआ था फंक्शन के ऑटो के ऊपर। अगर आपने इसके टेम्परेचर को चेंज करना है तो सबसे पहले इसके जो फंक्शन है उसको ख़त्म करें और उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो आप इसको यहाँ से टेम्परेचर सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। और मैन्युअली इस वक्त ये 3 पे है। ये इसकी जो फंक्शनिंग है वो रिवर्स पे है। अगर मैं इसको यहाँ से जो है वो चेंज कर रहा हूँ तो ये देखिए डिक्रीज हो रहा है 7 पे। आम फ्रिज में जो होता है वो ये होता है कि 7 के ऊपर जो फ्रिज है वो सबसे ज़्यादा कूल करता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो रिवर्स है, ये डिफरेंट है। और यहाँ से आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर सेटिंग पे। और ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से डिक्रीज होके 1 पे आ जाएगा। और इसको जो है मैं दोबारा से सेटिंग जो है इसकी 4 पे मैं कर देता हूँ। 4 का जो है ये मॉडरेट है, जिसमें तकरीबन अगर माहौल का टेम्परेचर 30 से 40 के बीच में हो तो ये अपनी कूलिंग को जो है वो बड़ा बेहतरीन तरीके से मेंटेन करते हैं। और ये आप उस वक्त देख सकते हैं ऊपर जो फ्रीजिंग का इस वक्त टेम्परेचर है फ्रीज़र के ऊपर वो -15 है। और इसको दोबारा सेटिंग करने के बाद, क्योंकि मैंने इस वक्त अपनी सेटिंग इसको ऑटो पे रखनी है, ऑटो पे करने के बाद मैं इसको दोबारा से यहाँ पे ये जो लॉक का बटन है इसको मैं लॉक कर देता हूँ। और ये अब ये सेटिंग जो है ये मेरी यहाँ पर लॉक हो गई है। थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो की सेटिंग पूरी समझ आ गई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। न्यू वीडियो आने तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।